नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। यार रात जिला कैथल के गांव बागल में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई जिसको देख के दिल और दिमाग दोनों खराब हो गए। घटना भी ऐसी जिसको बताते हुए भी दिल में ऐसे दर्द सा फील होता है कि हाँ, कैसे आप लोगों के साथ ये बात साझा करूं। रात बागल गांव में लगभग 1:30 बजे एक पुरुष ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी के साथ काट दिया, और कुल्हाड़ियां भी एक नहीं तीन मार दी एक ही जगह पर, सिर में। यहाँ एक कुल्हाड़ी तो ऐसे लगी कि आँख को भी आधा काट दिया और आँख बिल्कुल ख़त्म हो गई, और दो कुल्हाड़ियाँ और मार गया। और ये घटना तब हुई जब घर के सारे लोग जाग रहे थे। सबके जागते हुए भी वो तीन कुल्हाड़ियाँ मार गया। तीन कुल्हाड़ियाँ मारने के बाद अब तक वो युवक फरार है। और कुल्हाड़ी क्यों मारी, क्या कारण था, इस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो फिल्मों में देखते हैं कि साइको किलर जो बिना कारण के लोगों को मारता है, बस यही काम है। जो व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने अपनी पत्नी को रात को 1:30 बजे तीन तीन कुल्हाड़ियाँ मारी, और कुल्हाड़ी भी बड़ी, काफ़ी भारी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मारने के बाद वो फरार हो गया, और अब तक पुलिस उसकी तलाश में है लेकिन नहीं मिला। इस सारी घटना के बाद एक चीज़ सामने आई जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए खास तौर पर सामने आया हूँ, कि पहले गांव और शहर के बारे में अगर बात करते थे कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है, तो गांव में भाईचारे की भावना बहुत थी, आपसी लगाव बहुत था। मैं अक्सर जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, कई बार बात चलती तो मैं एक बात जरूर बोलता था कि जो शहर में है, शहर के लोग जो होते हैं वो मतलबी होते हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। अगर शहर में कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को गली के बीच में पीट रहा है तो शहर के लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उसको छुड़वाए, पीटता हुआ देखते रहेंगे। लेकिन अगर यही काम गांव में हो रहा है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पीट रहा है और उसने क्या किया, सारे दरवाजे बंद कर लिए, फिर अंदर वो पीट रहा है, तो गांव के लोग दरवाजे को तोड़कर भी उसको छुड़वाने के लिए जाते थे। लेकिन आज टाइम बिल्कुल बदल चुका है, लोग शहरी लोगों को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। रात जब ये घटना हुई, लगभग 1:30 बजे घटना है, और मैं वहाँ पर पहुँचा था 2 बजे, तो बड़ी शर्म की बात है कि 2 बजे तक भी वो महिला वहीं पर पड़ी हुई थी, उसका खून निकल रहा था, कोई उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके गया, पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची थी। तो बहुत शर्म की बात है कि लोग पता नहीं क्यों डरे थे। दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि अगर किसी को चोट लगी है, कोई हादसा हो गया, तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है कि उस जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको फर्स्ट एड दिलवाना, सबसे पहले उसका उपचार करवाना, बाकी काम बाद में होते रहेंगे, पुलिस रिपोर्ट भी बाद में होती रहेगी, पूछताछ बाद में होगी, कोई बात नहीं है। इतने लोगों को तो पुलिस भी झूठा बनाती, लेकिन वहाँ पर सारे ये कह रहे थे कि हाय हम फंस जाएंगे, हाय हम फंस जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा। यार इतने पागल तो पुलिस भी नहीं, यानी कि इंतज़ार कर रहे थे कि जब उसका सारा खून निकल जाएगा, वो मर जाएगी, फिर उसको उठाएंगे, फिर दुख व्यक्त करने के लिए उनके घर पहुंचेंगे। तो बेहद शर्म की बात है ये। दोस्तों, अपना कम से कम ज़मीर तो ज़िंदा रखिए, अपना ज़मीर ज़िंदा रखें। लड़ाई झगड़े होते हैं आस पड़ोस के लोगों में, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी स्नेह नए भी हो, आपसी बातचीत नए भी करते हो, तो भी दुख में एक दूसरे के साथ में जाना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जो एक खास बात
जो रात मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुई। दोस्तों, हमारे पास, सबके पास, एक तो हमारी जो चौकी है, थाना है, उनका नंबर हमारे फ़ोन में जरूर सेव होना चाहिए। वैसे तो हम मोबाइल में 400, 500 नंबर सेव रखते हैं, लेकिन ऐसे समय पर जो काम आते हैं ऐसे नंबर हमारे पास होते नहीं हैं। पहली तो बात है, हमारे फ़ोन में चौकी या थाने के नंबर जो है वो ऐड होने चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर होना चाहिए एम्बुलेंस का, वो भी हमारे फ़ोन में सेव होना चाहिए। और एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड, उसका भी नंबर हमारे फ़ोन में सेव होना चाहिए, ताकि कभी भी हमें ऐसी स्थिति दिखे तो कम से कम हम फ़ोन तो कर सकें, ये हेल्प तो ले सकें। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आज एक दूसरे को मरता हुआ देख के भी उनके दिल में ये नहीं आती कि हाँ उनकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। जैसे सारे एक जैसे नहीं है, कुछ लोग आए भी, कुछ तो जब फ़ोन नहीं मिला, नंबर नहीं मिले, तो खुद ही चौंकी में पहुँचे भी पुलिस वालों को बताने के लिए कि जल्दी पहुँचो। लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये जो घटना थी अत्यंत दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। जैसा रात हुआ ऐसा मेरे हिसाब से तो गांव बागल में कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो आज तक ऐसा सुना नहीं है। क्योंकि अगर परिवार के लोग न जागते होते तो ये हो सकता था कि उस महिला के सुबह टुकड़े ही मिलते। जो आदमी था उसने इतना मन बना रखा था कि उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, क्योंकि इतना बड़ा कुल्हाड़ा 3-3 बार मारना बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे पैर के नीचे एक कीड़ी भी आ जाती है, कीड़ी जिसको चींटी बोलते हैं, वो भी अगर पैर के नीचे आती है तो हम उसको बचाने के लिए पांव को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना निर्दयी इंसान जो अपनी ही घरवाली के ऊपर कुल्हाड़ों से प्रहार कर दे, बहुत दुख की घटना है। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, नहीं मैं ये कहूँगा कि वीडियो को शेयर करो, बस मैं तो इतना कहूँगा कि कम से कम इंसानियत अपने दिलों के अंदर ज़िंदा रखिए, इंसान बने रहिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत को हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखें। लड़ाई झगड़े हैं कोई बात नहीं, साइड में करो उनको। दुख सुख में सबके साथ हमें खड़े होना चाहिए। और तीन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो, पहला पुलिस का, दूसरा एम्बुलेंस का और तीसरा फायर ब्रिगेड का, क्योंकि ये घटनाएं ऐसी हैं, कभी भी घट सकती हैं और कभी भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हम बाकी 300-400 नंबर रखते हैं, लेकिन ये 3-4 नंबर जो मेन है वो हम नहीं रखते। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूंढते फिरते रहते हैं कि कहाँ किसके पास नंबर है, किसके पास, और उस टाइम किसी के पास नंबर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जागरूक हो जाइए, गांव को गांव ही रहने दीजिए, शहर न बनने दो। वैसे अगर गांव में सब कुछ मिलता है, चीज़ें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही, तो वो बहुत अच्छी बात है कि हाँ शहर बन रहा है। लेकिन जो शहरों में लोगों के मनों में फीलिंग होती है, वो फीलिंग न आने दो। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।